एक श्री राम भक्त की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बजरंग बली उस महाबली की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम एक महात्यागी के गुणों की झलक दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बजरंग बली उस महाबली की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बहुत समय तक उनके घर कोई बालक नहीं हुआ। अंजनी देवी ने इस कारण किए कठोर तपश चरण, उसके सच्चे तप से खुश होकर बोले भगवन। पवन देव ने पूछा, अंजना तुम क्या चाहती हो? वो बोली है, महाभाग मुझे पुत्र प्राप्ति हो। वायुदेव ने कहा, उसे मैं खुद ही जन्म लूंगा, बन के तुम्हारा पुत्र तुम्हें जग पर सिद्ध कर दूंगा। इस तरह से अंजनी पुत्र पवन के पूत कहते हैं। शिव पूजा शिव भक्ति से अलग नहीं था काम कोई दूजा। त्रिपुरारी खुश होकर बोले, मांगो अंजना वर, कहे तथास्तु अंतर ध्यान हुए सर्वलोक शंकर। मेरे अंश का ग्यारहवां रुद्र ही पुत्र तेरा होगा, पवन देव की कृपा से कल्याण तेरा होगा। चैत्र शुक्ल की 15 को आई मंगल बेला, माँ अंजना की कोख से जन्मा बालक अलबेला। हम माँ अंजना को सबसे पहले शीश झुकाते हैं। एकादशी कुछ पूर्णिमा के दिन, किसी मास में पवन पुत्र जन्मा बतलाते हैं। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी या पूर्णमासी को, कल्प भेद के कारण भिन्न भिन्न जन्म मनाते हैं। कुछ मंगलवार कुछ शनिवार को करते हैं स्वीकार, सब भक्तों को चाहिए करना पुण्य तिथि से प्यार। सरसरिताएं पर्वत सागर पृथ्वी और आकाश, जन्म हुआ तब सभी दिशाएं देने लगी प्रकाश। बड़ा ही अद्भुत समय था वो, सब वेद बताते हैं। बजरंग बली उस महाबली
सुनाए उस बालक का प्यारा सा बचपन, पालने में भी उछल उछल कर करते थे क्रंदन। एक दिन लिटा पालने में माँ चली गई उपवन, सूरज को उगते देखा तो समझा लाल भोजन। उड़ने की शक्ति पवन देव ने पहले ही दे दी थी, उड़ चले सूर्य रूपी फल खाने की इच्छा थी। वायुदेव को चिंता हुई कहीं बच्चा भटक न जाए, सूर्य देव की किरणों से ये फूल झुलस न जाए। बन के बर्फ समान पवन फिर साथ निभाते हैं, भगवन है नहीं दूजा कोई। ओ अंश मालिकी शीतल हो गई फिर अग्नि किरणे, पवन पुत्र गुरु रथ पर चढ़कर खेल लगे करने। अमावस्या को जब राहु दिन कर को ग्रसने आया, बहुत देर तक बालक की मुट्ठी में छटपटाया। जान बचा कर राहु पहुंचा इंद्र जी के पास, विधि विधान बदल कर किस मूरख ने किया उपहास। बड़े वेग से राहु भी फिर दौड़ लगाते हैं, पकड़कर मारी उसको पांच सात लाते। पटक पटक कर राहु को कर डाला जब बेहाल, राहु की रक्षा करने को इंद्र बने फिर ढाल। राहु को छोड़ा तो ऐरावत को पकड़ लिया, समझ खिलौना उसने बाहुबल में जकड़ लिया। बलशाली बालक को देख के इंद्र भी डर गए, अपनी रक्षा करने हेतु क्या कुछ कर गए। क्या किया कैसे किया आगे बतलाते हैं, शिखर पर हनु जिसे ठुड्डी कहते वज्र से तोड़ डाली। वायुदेव ने कुपित हो अपनी गति रोक डाली। ऐसा भयानक दृश्य देख सब जीव उदास हुए, भय
भय से देव असुर गंधर्व ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा के संग सबको ले गए पवन देव के पास। पवन पुत्र की हटा मूर्छा वर दे डाले था। सभी देवता खुश होकर सुनो क्या दे जाते हैं। जल से सुरक्षित स्थान दिया। यमदेव बोले ये सदा मेरे दंड से दूर रहेगा। कुबेर जी बोले इसे युद्ध कभी विषाद नहीं लगेगा। विश्वकर्मा ने शस्त्रों से जब सुरक्षित कर दिया। शंकर जी ने आयुधों से अवध कर दिया। नामकरण हुआ कैसे क्या ये पुराण बताते हैं। बजरंग बली उस महाबली की गाथा गाते हैं, हम कथा सुना।
पूजा बाद और रात्रि में अंजनी गाया करती, आदर्श चरित्र और कथाएं उसे सुनाया करती। मातृ शिक्षा से रामचरित्र का पूरा ज्ञान मिला, राम राम जपने से उनको राम का ज्ञान मिला। माँ बोली सब लोगों के हैं साक्षी सूर्य देव, उनसे शिक्षा लेकर तुम बनो पारंगत बल दे। माँ इच्छा को सिर आंखों पर धर कर शक्ति माँ, दिन कर से शिक्षा लेने को बजरंगी हनुमान। कर प्रतिज्ञा गुरु चरण में शीश झुकाते हैं, राज भेद में सुग्रीव के दुश्मन बाली हो
प्यारे राजमों में फस घातक हो गए। पवन पुत्र सुग्रीव ने अपना सचिव मान लिया। विपत काल में हनुमान ने संग प्रदान किया। विकट काल में चंद लोग ही साथ निभाते हैं। दशरथ नंद श्री राम पिता की आज्ञा पाते हैं। संग में लेकर सिया लखन वनवास को जाते हैं। वर्ष 14वें पंचवटी में कुटिया एक बनाई। बड़े प्रेम से सीता संग रहते थे दोनों भाई। मारिच ने राजा रावण से प्रेरणा पाई। बन कंचन मृग लगा घूमने मूरख हर जाई। जनक नंदनी देख मृग को मोहित हो गई। फर्ज किया श्री राम से ला दो मृग वो सो नहीं। इस तरह से रावण छल से सीता हर ले जाते हैं। जनक दुलारी की चिंता में राम लखन हैरान। उसे खोजने चल दिए दोनों रघुवंशी वो जवान। सुग्रीव ने देखे गिरी शिखर से धनुष वाण धारी। बाली के भय से चिंतित रहना उसकी लाचारी। उन्होंने माना उन दोनों को बाली के ही दूर। भेद लगाने के लिए भेजा उसने पवन कपूर। भेष बना ब्राह्मण का हनुमान पहुँचे उनके पास। रूप देख उनका तेजस्वी बोले बन कर दास। वो क्या बोले श्री राम से हम बतलाते हैं। रूप देख कर मैं तो तुम्हारा हो गया हैरान। तेजो में पुरुष आप कौन है नहीं सादे इंसान। आप ब्रह्मा विष्णु हो या फिर या हो स्वयं महेश। नर नारायण सृष्टि स्वामी आए बदल कर भेद। सुन कर के ये वाणी उनकी राम हुए प्रसन्न। पवन कुमार से बोले लक्ष्मण सुनो प्यारे ब्राह्मण। दशरथ जी के पुत्र है हम राम और लखन। छल से किसी ने सीता जी का कर लिया हनन। उन्हें ढूंढने पर्वत पर्वत वनों में जाते हैं। बजरंग बली उस महाबली की गाथा गाते हैं।
चरण में वानर ने फिर खुद को लिटा दिया। हनुमान को झट से राम ने ऊपर उठा लिया। भर के भुजाओं में बड़े प्रेम से वक्ष से सटा लिया। लक्ष्मण के चरणों में उन्होंने शीश किया प्रणाम। सुमित्रा नंदन ने लगाया हृदय से हनुमान। उन दोनों को संग लेकर पहुंचे सुग्रीव के पास। परिचय करा कर आपस में था जता दिया विश्वास। इस तरह से हनुमान प्रभु चरण का मौका पाते हैं। श्री राम को व्याकुल कथा सुनाई। बाली के ही भय से मैंने बस्ती अलग बनाई। अब है मुझे कर दो हे दाता हे मेरे श्रीमन। बाली वध करने का राम ने दे दिया वचन। एक बाण में श्री राम ने बाली वध किया। किष्कंधा का राज्य ही सुग्रीव को सौंप दिया। बाली के सुत अंगद का भी राज्याभिषेक किया। सीता जी की खोज का बेड़ा सुग्रीव ने लिया। इस कार्य का मुखिया वो हनुमान को बनाते हैं। राम अंगूठी लेकर हनुमान खोज में चल पड़े। जय बोला श्री राम और विंध्यगिरी पे निकल पड़े। जांबवान अंगद और हनुमान संग बानर भालू। दर दर भटके सिया खोज में भक्त वो श्रद्धालु। सुग्रीव ने उन सब को दे दी थी एक मास अवधि। दुख में बैठ गए सब उनकी चकरा गई बुद्धि। गिद्ध संपाति सुन बोला हल कंदरा से आए। सबको अपना समझ के भोजन मन में हर्षाए। महाकाय संपाति को देख के सब डर जाते हैं। नाम जटायु सुन संपाति दंग रह गए। कौन हो तुम बतलाओ हम आनंदित हो गए। अंगद ने फिर राम सिया की घटना सुनाई। रक्षा हेतु प्राण दिए श्री राम से मुक्ति भई। सुनकर मृत्यु जटायु की संपाति रो पड़े। भाई बिछोह को सहने वाले
फल थे बहुत बड़े। महामुनि के सुन के वचन वो सब दुख भूल गए। परमानंद से उनके अंग सब पुलकित हो गए। अब संपाति भक्तों को सीता का पता बताते हैं। वाटिका उपवन है सीता जी बैठी जहां। शोक मग्न में वो बेचारी संकट झेल रही। मैं बूढ़ा हूँ वरना खुद ही जाता पहुँच वहीं। मेरा पुत्र पक्षी परवर मेरे भोजन हेतु उड़ा। उसने देखा सिया हरण था रावण नीच बड़ा। राम लखन का नाम ले सीता करती थी विला। ये उनके हैं गिरे आभूषण बता रहे जोसा। हनुमान जी ये सब सुनकर खुश हो जाते हैं। बजरंग बली उस महाबली की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं हे ज्ञानी गुण के निधान। जय महावीर हनुमान। हे ज्ञानी गुण के निधान। जय महावीर हनुमान। रूप देख सागर विशाल वो सारे सहम गए। बानर भालू के विषाद में अंगद समझ गए। कौन लांघ कर सागर को लंका में जाएगा। ये बेड़ा तो हनुमान ही जो पार लगाएगा। अंजनी नंदन श्राप के कारण बैठे थे चुपचाप। अंगद जी ने याद दिलाया शक्ति का परता। क्षण में ही था हो गया उनका शरीर पर्वत का। जांबवान खुश हो बोले लाओ सीता का समाचार। बड़े वेग से वायु पुत्र आकाश में जाते हैं। पवन गति को सागर जान गए। राम कार्य के लक्ष्य को झट पहचान गए। मैनाक पर्वत से बोले जा प्रणाम करो। हाथ जोड़ कर अर्ज करो थोड़ा विश्राम करो। सुन कर ये मैनाक से बोले वो वायु नंदन। आराम में संभव है नहीं है आगे समय बंधन। देवों ने भी बल बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए। रूप बना बेडोल ससुर सा आई नाग माई। बजरंगी उसके मुख में आते और जाते हैं। गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं हे ज्ञानी।
जल सिंघी का राक्षसी बाधा बन पड़ी, पवन पुत्र के भार से वो भी मौत के मुंह में चढ़ी। सागर लांघ के हनुमान जी पर्वत पर गए, लंकापुरी के सारे नजारे झट से समझ गए। रक्षा व्यवस्था रस्ते नगरी सब कुछ जान लिया, आक्रमण की दृष्टि से सब कुछ पहचान लिया। सूझबूझ और धैर्य से लगा सोचने ज्ञानी, सूक्ष्म रूप से नगरी उसने जाने की ठानी। मन ही मन में राम चरण में शीश झुकाते हैं, जाते देख लिया। बोली डांट कर मौत से पहले क्यों ना सोच लिया। कपी श्रेष्ठ जी लगे सोचने विवाद न छिड़ जाए, राक्षस युद्ध बन सिया पता का काम बिगड़ जाए। अबला समझ के उसने उस पर किया छोटा प्रहार, लंकिन की आंखों के आगे छा गया अंधकार। कुछ ही देर में वो बोली है राम दूत हनुमान, असुर वंश का करो अंत हो मेरा भी कल्याण। असुर सुरक्षित लंका में वो पहुंच जाते हैं, तेज वहां सीता का ही था। सबसे अलग सैया पर देखी सुंदर सी युवती, उसके सुकोमल अंगों पर थे जड़े हुए मोती। उसे देख हनुमान ने सोचा ये है जनक प्यारी, पूंछ पटक कर इधर उधर की दौड़ कई मारी। फिर लगे सोचने ध्यान से सोचा मन में किया विचार, राम वियोग में नहीं करेगी सीता जी श्रृंगार। शुद्ध मन से वो सिया ढूंढने आगे जाते हैं, बन बाग अखाड़े सारे ढूंढ लिए। सभा भवन और खोज ठिकाने सारे सूंघ लिए। महात्मा विभीषण सैया छोड़ श्री राम भजने लगे, पवन पुत्र की खुशियों के भी तार बजने लगे। धर ब्राह्मण का वेश उन्होंने लिया राम का नाम,
सुनते ही विभीषण ने किया अंदर से प्रणाम। बोलो ब्राह्मण आप कौन है कृपया बतलाओ, मुझको कैसे दर्श दिया तुम परिचय करवाओ। बड़े प्रेम से ब्राह्मण असली रूप दिखाते हैं,